वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज है 14 फरवरी 2020 और लगाते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेज। इंपॉर्टेंट होंगे इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के लिए। यूपीएससी सिविल सेवा 2020 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, जितने विद्यार्थियों को अप्लाई करना है वो जल्दी से जल्दी उस फॉर्म को भर दीजिएगा ताकि उनका मनचाहा सेंटर, उनका नज़दीकी सेंटर उनको मिल जाए। और 145 प्लस और आते रहेंगे हर दिन टेस्ट, उनकी तैयारी करते रहिए, खुद से भी पढ़ते रहिए, सी सेट भी पढ़ते रहना क्योंकि सी सेट हटाया नहीं है इन्होंने इस वर्ष भी। तो 33% उसमें लाने हैं सी सेट में, और सी सेट में क्वालिफाइड होंगे तभी जो जीएस पेपर वन है उसकी कॉपियां चेक होती हैं, उसकी मेरिट बनती है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में दो पुरस्कार किसने जीते हैं, किसने जीते हैं? देखिए, पीएनबी नहीं है, एसबीआई नहीं है, नाबार्ड भी नहीं है, इसका उत्तर है साउथ इंडियन बैंक ने। किसने जीते हैं? साउथ इंडियन बैंक ने जीते हैं भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कार, या बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2019 में दो पुरस्कार जीते हैं साउथ इंडियन बैंक ने। तो देखिए, साउथ इंडियन बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में दो पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित इंडियन बैंक एसोसिएशन के 15वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और अवार्ड्स के दौरान दिए गए। साउथ इंडियन बैंक को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की श्रेणी में सबसे अधिक ग्राहक आकर्षित करने में विजेता बना और छोटे बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ भुगतान पहल की श्रेणी में वो उपविजेता रहा। तो दो पुरस्कार मिले उसको, एक तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसने जो अपने कस्टमर हैं वो अपनी ओर आकर्षित किए, और दूसरा क्या था? दूसरा, छोटे बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ भुगतान की श्रेणी में उपविजेता रहा, मतलब दोनों पुरस्कार ले गया। अब बात आती है साउथ इंडियन बैंक की। तो साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO का नाम याद रखना, BG मैथ्यू, जो बहुत रेयर टू रेयर केस में कभी पूछा जाएगा। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूर केरल में है, और साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1929। और साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया, कहाँ पर किया गया है राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन? देखिए, किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। तो महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM द्वारा भारतीय बीमा संस्थान के साथ साझेदारी में आपदा जोखिम के वित्त पोषण, बीमा और जोखिम हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में वित्त पोषण संबंधी सुदृढ़ता के विशेष महत्व पर फोकस किया जाएगा। यह सरकार के एजेंडे पर भी जोर देगा। सभी के लिए जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना और गरीब परिवारों से शुरुआत में क्रमशः SME और बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं देशों को कवर करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 की तीसरी प्राथमिकता अर्थात सुदृढ़ता के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 1 रुपये के करेंसी नोट का मुद्रण जो है वो नियम 2020 को अधिसूचित किया है। 1 रुपये के नोट का आकार क्या है? देखिए, अभी तक 1 रुपये का सिक्का चलता था, कभी 1 रुपये का नोट चलता था किसी ज़माने में कई साल पहले, अब फिर से 1 रुपये का नोट आ रहा है। तो इसका आकार पूछा है, 1 रुपये के नोट का आकार क्या है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका आकार है 9.7 × 6.3 cm, छोटा सा आकार है, 9.7 × 6.3 cm का आकार है इसका। ये है देखिए, 1 रुपये का नोट इस तरह से बनेगा। तो फ्रंट पे इधर एक जो सिक्का है हमारे पास वो छपा है, यहाँ 1 रुपया लिखा है, ऊपर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ एक गोला बना है
वाइट कलर का, यहाँ 1 रुपये लिखा है तो इस तरह से। तो देखिए वित्त मंत्रालय ने भारत का राजपत्र GSR 95E दिनांक 7 फरवरी 2020 को 1 रुपये के करेंसी नोटों का मुद्रण नियम 2020 को अधिसूचित हो चुका है। देखिए और 1 रुपये के करेंसी नोट को परिचालन के लिए भारत सरकार के प्राधिकरण के अंतर्गत जारी करने के लिए नोट मुद्रण प्रेसों में मुद्रित किए जाएंगे। अब ये जो नए 1 रुपये के नोट की आकृति और आकार देख लेते हैं। तो 1 रुपये का करेंसी नोट आयताकार 9.7 × 6.3 सेंटीमीटर का होगा और जिसका कागज़ जो है वो 100% कपास मतलब चीर सामग्री का बना होगा। नोट जो है वो 110 माइक्रान मोटा होगा। इसका वजन होगा 90 GSM मतलब ग्राम प्रति वर्ग मीटर। इसमें मल्टी टोनल वाटर मार्क भी होंगे और जिसमें एक नंबर पर देखा जाए तो सत्यमेव जयते शब्दों के बिना खाली स्थान पर अशोक स्तंभ, और दूसरे में क्या है केंद्र में ना दिखने वाली एक संख्या तो साइड में दिख रही है वो, और थर्ड है ना दिखने वाला शब्द भारत दाहिने तरफ लंबवत लिखा होगा जो दिखता है ना वैसे। अब देखिए 1 रुपये के नोट का डिज़ाइन कैसा होगा। तो 1 रुपये के करेंसी नोट के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड के ऊपर भारत सरकार शब्द लिखा होगा जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती के द्विभाषी हस्ताक्षर होंगे और नए सिक्के की प्रकृति के साथ 2020 का प्रतीक रूपा और नंबरिंग पैनल में सत्यमेव जयते और कैपिटल इनसेट लेटर एल के साथ जारी किया जाएगा। और देखिए 1 रुपये के नए नोट का जो रंग है 1 रुपये के नए करेंसी नोट का आगे वाला भाग मुख्य रूप से गुलाबी हरे रंग का और दूसरी तरह अन्य रंगों का तालमेल होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने सोयूज रॉकेट से 34 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा है। किसने भेजा है? इसरो ने नहीं भेजा, नासा ने भी नहीं भेजा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी नहीं भेजा। ये भेजा है ब्रिटेन की एक स्टार्टअप कंपनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ब्रिटेन की वन वेब कंपनी ने कजाकिस्तान के बैकोनूर पोर्ट से एक सोयूज रॉकेट से 34 उपग्रह को कक्षा में भेजा है। इसका उद्देश्य 2021 के अंत तक पूरे नेटवर्क को चालू करना है और यह एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया और 50वां सोयूज मिशन है। जबकि कंपनी की योजना 2021 तक 3 अंतरिक्ष यानों से 19 से अधिक मीडियम लिफ्ट सोयूज को भेजने की है। इस मिशन को तारामंडल में भेजने के लिए एक योजना बनाई गई जिसके तहत 12 विमानों में से एक विमान में उपग्रह बेंच को फिट किया गया था। अब वन वेब जो ब्रिटेन की कंपनी है उसके सीईओ कौन है? एंड्रियन स्टेकेल, और वन वेब कंपनी का मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कोरोना वायरस प्रकोप के चलते कहाँ होने वाला विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक टेलीकॉम कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस रद्द कर दिया गया जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के पहुँचने की संभावना थी? कहाँ होना था ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो रद्द कर दिया गया? बार्सिलोना में। कहाँ होना था ये? बार्सिलोना में। तो देखिए कोरोना वायरस प्रकोप के चलते बार्सिलोना में होने वाला विश्व के सबसे बड़े वार्षिक टेलीकॉम कार्यक्रम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो रद्द कर दिया गया। इस सम्मेलन में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना थी। इसका आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन टेलीकॉम एसोसिएशन द्वारा किया जाना था। यह निर्णय दर्जनों टेक कंपनियों और वायरलेस सुविधा प्रदान करने वालों द्वारा इस कांग्रेस से बाहर रहने के कारण लिया गया, और जिसमें नोकिया, वोडाफोन और डाइचे टेलीकॉम और ब्रिटेन की बीटी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा आईएनएस शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? INS शिवाजी को ध्वज मतलब प्रेसिडेंट कलर जो है वो प्रदान किया गया है,
और INS शिवाजी 1945 में नौसेना में शामिल हुआ था। INS शिवाजी अब आदर्श वाक्य कार मशु कौशलम के भारतीय नौसेना का प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। तो क्या है ये INS शिवाजी? नौसेना का तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, कोई मनुष्य व्यक्ति नहीं है या फिर कोई युद्धपोत नहीं है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो सारे के सारे तो सही हैं ये। तो देखिए, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोनावाला स्थित नौसैनिक स्टेशन है ये, नौसैनिक स्टेशन या प्रशिक्षण केंद्र, INS शिवाजी को 13 फरवरी को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया गया। नौसैनिक स्टेशन INS शिवाजी को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया गया 13 फरवरी को, मतलब कल। किसी भी सैन्य इकाई को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करना सर्वोच्च सम्मान होता है। INS शिवाजी के निशान अधिकारी ने यह सम्मान ग्रहण किया और इस मौके पर एक आकर्षक परेड का आयोजन किया गया। परेड में 130 नौसैनिक अफसरों और 630 नौसैनिकों ने भाग लिया। इसमें 150 नौसैनिकों की सलामी गारद की टीम भी शामिल थी। ये देखिए कुछ इस तरह से। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और दक्षिण नौसैनिक कमांड के प्रमुख वाइस एडमिरल AK चावला, अन्य आला नौसैनिक और नागरिक अधिकारी मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। क्या है वो? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुधारों का भी शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायतों की संख्या वर्ष 2014 से 2 लाख से बढ़कर 19 लाख तक पहुँच गई है। 2019 में भारत सरकार को 18.7 लाख सार्वजनिक शिकायतें मिली, जबकि 18.1 लाख शिकायतों का निवारण किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क, वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा है भारत का, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा मुंबई में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मुंबई नगर निगम BMC ने महाराष्ट्र में मुंबई के 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापना करने को मंजूरी दी है। और 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापना के बाद BMC दिल्ली को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क बन जाएगा, जहाँ वर्तमान में 38 मॉनिटर लगे हैं। इन स्टेशनों द्वारा हवा की गुणवत्ता पर स्थानानुसार अपडेट किया जाएगा, स्थान के अनुसार, और वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क परियोजना BMC और निजी भागीदारियों द्वारा वित्त पोषित की जाएगी, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में समाप्त होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तक का नाम क्या है? द थिन माइंड मैप बुक का हाल ही में विमोचन किया गया। यह किसने लिखी है द थिन माइंड मैप बुक? तो ना तो ये लिखी है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ना ये लिखी है अपने वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने, ना ये लिखी है अपने अमित शाह ने, ये लिखी है धर्मेंद्र राय ने। किसने लिखी है? धर्मेंद्र राय ने लिखी है द थिन माइंड मैप बुक। तो विचारों को दिशा देने वाले एवं बुद्धि साक्षरता के प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले धर्मेंद्र राय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? द थिन माइंड मैप बुक का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक का उद्देश्य लोगों को विचारों को दिशा देने, मतलब माइंड मैपिंग का अनुभव कराना। पुस्तक में लिखे सभी प्रायोगिक अभ्यासों को पढ़कर उनके जरिए विशेषज्ञता हासिल करना है। अब देखिए, धर्मेंद्र राय के विचारों को दिशा देने वाला एवं बुद्धि साक्षरता के प्रणेता स्रोत माना जाता रहा है।
और उनके नाम 10 सालों के अंदर 380 से ज़्यादा माइंड मैपिंग सेमिनार आयोजित करने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड है उनके पास। और साथ ही वह टेडएक्स पर रचनात्मकता और माइंड मैपिंग पर बात करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। टेडएक्स देखा होगा आपने यूट्यूब पर, सब उस पर भाषण देते रहते हैं, एक तरह से देखा जाए तो अपने विचारों को जो है शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो सबसे पहले इन्होंने ही टेडएक्स पर अपना रचनात्मक और माइंड मैपिंग भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिमस्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आरंभ कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तर उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आरंभ किया गया। भारत सरकार की ओर से बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कर रहा है और इस अभ्यास का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। साझेदार देश कौन कौन है इसमें? इस अभ्यास में बिमस्टेक सदस्य देश भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और थाईलैंड और भूटान इस वर्ष इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। अब देखिए, बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का उद्देश्य क्या है? तो NDRF द्वारा आयोजित किए जा रहे बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का उद्देश्य मेजर भूकंप या बाढ़ की स्थितियों के दौरान तत्परता और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं अधिसूचनाओं का परीक्षण करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य भूकंप, बाढ़ और चक्रवात में विभिन्न एजेंसी संचालन से जुड़े तालमेल और सहयोग में सुधार करना है। साथ ही यह अभ्यास आपदा के दौरान बहु हितधारकों के बीच तालमेल का परीक्षण करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय एजेंसियां शामिल हैं। साथ ही यह जो अभ्यास है आपदा के दौरान बहु हितधारकों के बीच तालमेल का परीक्षण करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय एजेंसियाँ शामिल हैं। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो क्या हैं? केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं या केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्री हैं? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। UPSC सिविल सेवा वालों के लिए हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक हर टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसकी तैयारी करते रहिए। अगर संभावित हो सके तो, कोशिश हो सके तो 2019 में मैंने UPSC सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज़ कराई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल उसमें से फंसे थे। तो उसको क्या करना, आप करंट अफेयर्स तो छोड़ देना, उसकी पता तो चल जाएगा ना कौन सा करंट अफेयर्स है। तो 2019 की UPSC सिविल सेवा की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पढ़िए, उसका जो स्टैटिक पोर्शन है ना, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले वर्ष की सोच थी हमारी, ये इस वर्ष की सोच है कि किस तरह से स्टैटिक से भी प्रश्न बना बना के पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तो पहचानते होंगे, उनको छोड़ देना क्योंकि उतना पीछे का नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।